एवरीवन, स्वागत है आपका चंडीगढ़ ब्यूटी चैनल में। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपना अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो दोस्तों मैंने पेटीएम से कुछ ऑर्डर किया था, मुझे वीडियो बनाने में उसकी ज़रूरत पड़ती थी तो मैंने पेटीएम से उसको मंगाया है। तो जस्ट अभी मैं उसकी अनबॉक्सिंग कर रही थी, लेकिन मुझे ध्यान आया कि क्यों ना हम और आप दोनों मिलकर इसकी साथ में ही अनबॉक्सिंग करते हैं, साथ ही साथ इसका रिव्यू भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो चलिए आप देख लेते हैं कि हमने क्या मंगाया है और करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी मेरी वीडियो आप आसानी से देख सके और मेरे से कनेक्ट रह सके। तो चलिए आप देखते हैं कि हमने क्या मंगाया है और ये क्या है और हमें इसकी वीडियो में कैसे ज़रूरत पड़ने वाली है। देखिए कुछ इस तरह के डब्बे में ये मुझे रिसीव हुआ है। तो ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट ना करते हुए मैं आपको बता देती हूँ, मैंने मंगाया है बोया का M1 माइक। जी हाँ, मुझे वीडियो बनाने के लिए माइक की ज़रूरत थी तो मैंने पेटीएम से उसको मंगाया है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि ये अंदर से कैसा है, इसकी अनबॉक्सिंग आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले सीजर से इसको यहाँ पर अच्छी तरह से कट लगा लेना है और फिर इसको ओपन कर लेते हैं। बोया का M1 माइक, जी हाँ, जो मैंने मंगाया है और यहाँ पर पीछे इसके फीचर दे रखे हैं। तो चलिए अब इसको ओपन करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो अंदर आपको कुछ इस तरह का एक ये छोटा सा कैरी बैग मिल जाएगा जिसमें आप अपने माइक को बहुत अच्छे से कैरी कर सकते हैं। और साथ में आपको मिलेगा, आपको छोटी सी बुक भी मिल जाएगी जो इसके साथ ही आती है। इसमें बताया गया है कि कैसे आप इस माइक को अपने स्मार्टफोन, DSL कैमरा या फिर अपने PC या फिर ऑडियो रिकॉर्डर के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो इसमें सब चीज़ दे रखी है। वैसे इसको कनेक्ट करना बहुत ही सिंपल है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, लेकिन फिर वैसे इस माइक को कनेक्ट करना बहुत ही आसान है, लेकिन फिर भी साथ में ये बुक दी गई है। अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप इसमें देख सकते हैं और अच्छे से अपने मोबाइल या फिर DSL कैमरा और PC या फिर ऑडियो रिकॉर्डर किसी के भी साथ इस माइक को कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आप देखते हैं कि ये कैसा है। तो ये देखिए, तो ये करीब 20 फीट का वायर है। जी हाँ, इस माइक में ये जो वायर दे रखा है ये 20 फीट का है, तो आप आराम से इसको कहीं पर भी दूर मोबाइल को रखकर आराम से अपनी वीडियो शूट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका मोबाइल दूर रखा है तो आपकी वॉइस नहीं आ रही होगी या कम आ रही होगी, ये अच्छे से आपकी वॉइस को कैप्चर करेगा। तो यहाँ पर बीच में इन्होंने दे रखा है ये कंडेंसर। जी हाँ, तो इसमें यहाँ पर इन्होंने दो ऑप्शन दे रखे हैं, मैं अभी आपको पास से दिखाती हूँ, शायद कैमरा अच्छी तरह से फोकस करे। ये देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक है कैमरे का और है एक है स्मार्टफोन का। अगर आपको अपने स्मार्टफोन के साथ इसको कनेक्ट करना है तो आप इसको ऐसे नीचे की तरफ पुश करके इसको अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको कैमरा के साथ कनेक्ट करना है तो ऐसे आप यहाँ से इसको ऊपर की तरफ पुश करके फिर अपने कैमरा के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये वाला जैक हम फोन में कनेक्ट करने के काम में लाएंगे, और जो ये बड़ा जैक है, जो ये 5 mm का जैक है, इसको हम लाउड स्पीकर वगैरह में यूज करते हैं। और साथ में हमें मिली है इसमें डालने के लिए ये बैटरी, जी हाँ, और ये एयर फिल्टर, और ये देखिए, और ये क्लिप। तो अभी इन सब को हम इसमें लगा लेते हैं, तो आपको मैं दिखाऊंगी कि कैसे इनको लगाकर फिर इसको अपने स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर इसको यहाँ से हमें ओपन करना है ऐसे। अगर हम इसको ट्विस्ट करके खोलेंगे तो ये आराम से खुल जाएगा, और फिर यहाँ पर हमें ये अपनी बैटरी को इंसर्ट करना है। जी हाँ, यहाँ पर हमारी बैटरी सेट हो जाएगी। बैटरी को सेट करने के बाद फिर आपको इसको ऐसे बंद कर देना है। अब हम लगाएंगे अपना एयर फिल्टर। तो ये जो माइक के साथ हमें क्लिप मिली है, यहाँ पर तो मेटल की है, लेकिन इसका जो ये हुक है सेट करने का, ये देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ये वाला,
तो ये प्लास्टिक का है, तो जब भी इसे आप माइक में सेट करें तो केयरफुली करें, वरना ये फिर टूट जाएगी। तो चलिए अब इसको सेट करते हैं। इसको सेट करना बहुत ही इजी है। इसको यहाँ पर ऐसे रखने के बाद आपको इसको ऐसे अंदर की तरफ पुश करना है ताकि ये अच्छे से इसमें लग जाए। मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ। तो ऐसे आपको अंदर की तरफ इसको पुश कर लेना है, तब ये एकदम से आपको इसमें से कट की आवाज़ आएगी। इसका मतलब ये इसके अंदर सेट हो गया है। और अब हम इसमें ये अपना एयर फिल्टर लगा लेते हैं, तो इसको भी आपको थोड़ा ध्यान से लगाना है। तो ये देखिए, हमने इसको भी सेट कर लिया है। अब ये हमारा माइक हो गया है बिल्कुल रेडी। जी हाँ, अभी मैं आपको इसको फ़ोन में लगा के दिखाऊंगी। तो अभी ये मेरे पास मेरा दूसरा स्मार्टफोन है, एक से तो मैं अभी शूट कर रही हूँ, लेकिन ये दूसरा है, अभी मैं इसमें आपको लगा के दिखा देती हूँ। तो ये 3.5 mm का जो जैक है, इसको यहाँ पर उनका हेडफोन यूज़ करते हैं, तो इसको यहाँ पर लगा देना है। तो ये देखिए, यहाँ पर जो ये जो हेडफोन का आइकन बन गया है, इसका मतलब ये इससे कनेक्ट हो चुका है। अभी मैं जिससे वीडियो बना रही हूँ, मैं अभी आपको उससे कनेक्ट करके दिखाऊंगी, तब आप मेरी आवाज़ में अंतर देखना कि मेरी पहले की वीडियो में आवाज़ क्लियर आ रही है, या फिर अभी जब मैं आपसे इस माइक के थ्रू बात करूँगी तब मेरी आवाज़ आपको क्लियर सुन रही है। तो चलिए, अभी मैं इसको अपनी इस फ़ोन से जिससे मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ उसमें लगा लेती हूँ। तो मैंने ये माइक अपने स्मार्टफोन में लगा लिया जिससे मैं अपनी वीडियो शूट कर रही हूँ। और यहाँ पर जो ये इसका क्लिप है, इसको हमें अपने कपड़ों के साथ अटैच कर लेना है। तो मैं इसको अपने टॉप में अटैच कर लेती हूँ। पर अपने टॉप में इसको अटैच कर लिया है। इसकी वायर काफ़ी लंबी है, 20 फिट की इसकी वायर है। तो आप कहीं पर भी अपना मोबाइल रख कर इससे आराम से अपनी वीडियो शूट कर सकते हैं। तो अभी आपको अंतर खुद दिख जाएगा कि अभी मैंने जो पहले बिना माइक के वीडियो शूट की थी उसमें मेरी आवाज़ कैसी आ रही है, और उसमें मेरी आवाज़ कितनी साफ़ आ रही है, और इसमें बैकग्राउंड नॉइज़ भी नहीं आता। जी हाँ, बैकग्राउंड में कितनी भी आवाज़ हो वो इसमें आने ही नहीं देता, और आपकी आवाज़ की क्लियरिटी बिल्कुल साफ़ आती है। ये पेटीएम से 860 रुपये में मिल गया है। वैसे दूसरी साइट पर इसकी प्राइस 1000 या 1200 रुपये तक भी मैंने देखी थी, लेकिन ये पेटीएम से मुझे काफ़ी रीजनेबल रेट पर मिल गया है। अगर आप भी एक यूट्यूबर हैं तो आपको पक्का इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। ये काफ़ी अच्छा माइक है। ये आपके बैकग्राउंड नॉइज़ को आपकी वीडियो में नहीं आने देगा। जी हाँ, बैकग्राउंड नॉइज़ बिल्कुल भी आपकी वीडियो में नहीं आएगी, और आपकी वीडियो की वॉइस क्वालिटी बहुत ही अच्छी होगी। तो आज की वीडियो में हमने किया बोया M1 माइक का रिव्यू। जी हाँ, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप और इंस्टा पर शेयर करना ना भूलें। मैं आपसे मिलूँगी फिर एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय।